हेलो दोस्तों, अरमान इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बोर्ड की वायरिंग बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। मेरे दोस्तों, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग जिस तरह से कमेंट्स मुझे करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कुछ लोगों के कि आप एक छोटे से बोर्ड में फ्यूज़ लगाने का तरीका बताइए। तो ये देखिए, किटकैट फ्यूज़ मैं लगा रहा हूँ उसमें, ठीक है दोस्तों। एक बहुत छोटा सा बोर्ड है, ठीक, एक इसमें फ्यूज़ है, एक स्विच, एक सॉकेट और एक होल्डर, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम इसकी वायरिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले दोस्तों मुझे करना ये है, देखिए मैंने दो तार ये होल्डर में पहले से न्यूट्रल फेज जोड़ दिया। अब मुझे करना ये है कि सबसे पहले मैं फ्यूज़ में फेज दूंगा, करंट जो है मैं फ्यूज़ में दूंगा। और ठीक है दोस्तों, और मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, आप जब भी वायरिंग करें तो एक अच्छे तार से करें और हमेशा दो कलर के तार से करें, और एक और बार में दोस्तों या 1 mm या 1.5 mm से तार की वायरिंग करें। इससे ये है कि सॉकेट भी नहीं जलेंगे और आपकी वायरिंग भी नहीं जलेगी। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं किटकैट फ्यूज़ में फेज दूंगा। ये दोस्तों देखिए, मैंने वाइट कलर का ही फेस ले लिया है। देखिए दोस्तों, मैंने फ्यूज़ में फेस दे दिया है। अब मुझे जो भी वायरिंग करनी है फ्यूज़ से मैं काट के करूँगा, तो फ्यूज़ से मैं काट के स्विच को फेस दूंगा सबसे पहले। देखिए सबसे पहले मैं, ये देखिए मैंने फ्यूज से फेस काट के स्विच को दे दिया। अब मुझे दोस्तों करना ये है कि मैं इस स्विच से करूँगा ये होल्डर और ये सॉकेट रहेगा मेरा डायरेक्ट। तो मैं स्विच से होल्डर करूँगा, स्विच से मैं फेस काट के होल्डर को दे दूँगा। मैं होल्डर को पहले से फेस दे दिया था, मैं तो फेस वाला तार होल्डर का स्विच में जोड़ दूँगा। ठीक है, अब मुझे सॉकेट को डायरेक्ट फेस देना है, तो मैं फ्यूज सिर्फ काट के सॉकेट को डायरेक्ट फेस दे दूंगा। ये देखिए, फ्यूज़ से, फ्यूज़ के बाद मैंने डायरेक्ट फेस काट के सॉकेट को दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मुझे दोस्तों करना यह है कि मुझे न्यूट्रल देना है सॉकेट में और होल्डर को। ये देखिए, मैंने नीले कलर का ले लिया मेरे दोस्तों न्यूट्रल देने के लिए तार। ये देखिए दे रहा हूँ, और मैं ये जो होल्डर में पहले से मैंने न्यूट्रल ये जोड़ रखा, तो मैं ये इसमें जोड़ दूँ।
ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने किटकैट फ्यूज़ में ये फ्यूज़ दिया वाइट कलर का, तो फ्यूज़ से काट के मैंने दिया स्विच को, और यहीं से फ्यूज़ काट के मैंने दिया सॉकेट, क्योंकि सॉकेट मेरा डायरेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर स्विच से मुझे होल्डर करना था, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट के होल्डर को दे दिया है। ठीक, और सॉकेट को मैंने ये न्यूट्रल दिया, और यहीं से मैंने दे दिया होल्डर को न्यूट्रल। आइए मैं इसे चेक करके बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा सॉकेट डायरेक्ट चल रहा है। ठीक है, बस उससे कोई मतलब नहीं इसका, ये फ्यूज से बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये देखिए फ्यूज से बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और प्लीज़ लाइक की बौछार लगा दो, लाइक बहुत दे दो मेरे दोस्तों, लाइक तो बनता ही बनता है। और मेरे दोस्तों, मेरे चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने में बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।